बुलंद फेडरेशन विभाग में कार्यरत मुनार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इन मुनारों में मालवर देसराज, तिलकराज, कुलदीप चंद, अश्विनी कुमार देसराज, सतीश कुमार, मदरसी राम और ओंकार का कहना है कि वो 14 लोग इस पद पर पिछले लगभग 15 सालों से पूरे प्रदेश में लगभग 8 लाख भेड़ों की ऊन की कटाई करते हैं, जिसके लिए उन्हें भेड़ पालकों के डेरों पर जाकर मशीनों से भेड़ों की ऊन की कटाई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विभाग अपना कर्मचारी नहीं समझता। उन्होंने कहा कि जब वह किसी डेरे पर जाते हैं तो केवल उन्हें किराया ही दिया जाता है, जबकि रहने व खाने का खर्चा उन्हें स्वयं करना पड़ता है, जिसमें उन्हें मात्र 300 दैनिक खर्चा मिलता है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बुलंद फेडरेशन विभाग में भाई भतीजाबाद के तहत 3 लोगों को स्थायी कर्मचारी बना दिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ठग ठग कर उम्र की इस दहलीज पर पहुंचा दिया गया है और बुलंद फेडरेशन उन्हें अपना कर्मचारी मानने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि हम भरमौर से किन्नौर तक भेड़ों की ऊन की कटाई के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भेड़ों की इंश्योरेंस तो है, लेकिन कामगारों की कोई इंश्योरेंस नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विभाग में उनके पदों को सृजित किया जाए तथा उन्हें इन पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आयु सीमा में छूट नियुक्त की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती है वह सितंबर की कटाई नहीं करेंगे। अगर यह काम इसी तरह से रुका रहता है तो हजारों भेड़ पालक सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, इसीलिए इस कटाई भेड़ की ऊन पर बाजार मूल्य सबसे ऊंचा होता है। और पीछे 2017 में जो इन्होंने आदमी अनुबंध के तौर पर रखे वो कम समय वाले रखे गए, 6 साल वालों को भी इन्होंने अनुबंध में ले लिया और जो 13-13 साल से काम कर रहे थे उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा भी इसमें हल किया जाए। 10 सालों से बुलंद फेडरेशन में ऊन कटाई का कार्य कर रहे थे और फेडरेशन ने हमें कहा था कि आपको फेडरेशन में सरकारी तौर पर रख लेंगे और लास्ट में उन्होंने हमें मना कर दिया कि हमारे आप अंडर काम नहीं करते हैं। और अब हमारी उम्र जो अब इस 45 साल हो गई और आगे जो हम कहाँ जाएंगे, हमारा भी भविष्य उन्होंने खराब कर दिया।